देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। वो प्रजातांत्रिक समाजवादी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संगठन जो बना था उसके पूरे के मुखिया थे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अनेक लोग जिस संगठन में काम करते थे। एक तरह से वो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे उस समय क्रांतिकारी आंदोलन को लीड देने वाले। जब राम प्रसाद बिस्मिल जी चले गए थे, उनको फांसी हो गई थी, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, उसके बाद जो फिरोजशाह कोटला मैदान में जो मीटिंग हुई थी, फिरोजशाह कोटला की इसमें खंडरों में जो मीटिंग हुई थी, और उसमें उनको इसका सर्वोच्च मुखिया चुना गया था। और उसके बाद ये सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे। जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया, उसमें भी उनकी मुख्य भूमिका थी। और ऐसे महान शख्स को, वो उस समय एक लड़ाई लड़ रहे थे कि कैसे मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो 23 मार्च को फांसी होने वाली थी, मतलब डेट तो बाद में आई लेकिन जो फांसी की उनको सजा घोषित हो गई थी, उसको बचाने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे। ऋषि के लिए वो नेहरू जी से मिलने के लिए गए थे। वहाँ उनकी धर्मेंद्र गौड़ नाम का जो अंग्रेज़ों का जासूस है, वो लिखता है कि बड़ी तकरार हो गई थी, बड़े रोष में चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ वो एलिफेंट पार्क में आए और वहाँ मुखबरी हुई और उनको घेर लिया गया। वहीं पर वो बड़ी चारों तरफ से घेरे जाने के बाद भी बहुत बहादुरी से लड़े। जिस अधिकारी ने उनकी मुखबरी की थी, उसके जबड़े पर गोली लगी चंद्रशेखर आज़ाद की। जो अधिकारी उनको अरेस्ट करने आया था नाट पावर, उसके कंधे पर गोली लगी, 3 पुलिस वाले मारे गए। और उनका जो प्रण था, वो छोटी उम्र में जो उन्होंने प्रण लिया था 14 साल की उम्र में, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, कभी ब्रिटिश सरकार मुझे पकड़ नहीं पाएगी। 700 लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ने के लिए लगा रखे थे उनकी मुखबरी के लिए। 5,000 रुपये इनाम था उन दिनों उन पर, लेकिन वो जिंदा कभी ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं आए। और अपनी आखिरी गोली से उनने खुद ही अपने आप को भारत माता की मिट्टी को हाथ में लेते हुए अपने को मातृभूमि पे समर्पित कर दिया, अपना बलिदान दिया। ऐसे महापुरुष का जितना बड़ा योगदान है, उसी तरह से उसको याद किया जाना चाहिए। तो हमने 90 की 90 विधानसभाओं में 27 फरवरी को हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम, उसके तहत चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस मनाने का निर्णय किया है। किसान मोर्चा संगठन को इसका दायित्व तो सौंपा है, लेकिन संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे विधायक और चुनाव लड़े हुए साथी भी उस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। और एक उनकी शख्सियत के हिसाब से जितना बड़ा उनका कद था, जितना बड़ा उनका योगदान था, उनका हम जो है ये बलिदान दिवस बहुत, मैं कहूँगा कि आदर के साथ, भावांजलि देते हुए मनाएंगे। उस स्थान की पवित्र मिट्टी कल हम गए थे लेकर आए हैं, और सब कार्यक्रमों में वो मिट्टी पहुँचाई जाएगी और उस मिट्टी का तिलक करके हम इस आयोजन को करेंगे। विकास शुल्क जो बढ़ाया है, उस पर मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से बात की है और हमारे नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से बात की है, और हमने कहा है कि एकदम ये बढ़ोतरी बहुत ही अप्रत्याशित है और जनता पे काफ़ी बोझ उसका बढ़ रहा है। हमने निवेदन किया है कि इसको जो है इस नाते से कि इस पर पुनर्विचार करें। ये बढ़ोतरी जो है काफ़ी अप्रत्याशित बढ़ोतरी एकदम हुई है, तो उनके उसी पर पुनर्विचार करने का आग्रह हमने मुख्यमंत्री और नगर निकाय मंत्री कंवर गुप्ता जी दोनों से किया है, और मुझे लगता है कि तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे। लगभग 52 घंटे पार्टी कैसी तैयारी? भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के अपने चुनाव प्रभारी तय किए हैं और चुनाव की तैयारियों में हम जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।